और वो बोल रहा है कि उन्होंने बहुत बोल रहा है मस्ती के और बोल रहा है हमारे गेट पर और किसी आदमी तो बन रहा है लेकिन ये तो जब पर जनता और मस्ती है आज चलिए एक वैसे हालांकि आपकी किताब में बुक में ये क्वेश्चन नहीं की वन लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है यानी आपका एक हम विद डिस्पोजल एक ऐसे डिस्पोजल बनाएंगे हम अभी तक हमने क्या किया है आप ध्यान दीजिएगा एक तो हमने मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया है और साथ के साथ लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन बनाना भी सीखा था और इनके ना जर्नल एंट्री भी आपने करना है मैं जैसे ही बोलता हूं मैं करता हूं मैं लाइक दिखाता हूं मैं जैसे बोलता हूं मैं करता हूं ये बन गया हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट ये डेट आपका पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया प्रोविजन और डेप्रीशियेशन ठीक है इसके बाद आगे आ जाते हैं हम एक एसिड डिस्पोजल एसेट डिस्पोजल डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है ना क्योंकि पहले ना बुक में था धीरे धीरे ना ये पेज बचाने के चक्कर में सारे पब्लिशर क्या कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक है काट देते हैं वो? नहीं आता ज्यादा एग्जाम में तो काट देते हैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे सारी बुक में ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बुक में टीएस ग्रेवाल में देखो इतने सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे सब उड़ा दिए पेज कम करना है प्राइस बढ़ाना है तो इसमें भी थे पहले लेकिन उन्होंने हटा दिए शायद पेज ज्यादा हो रहा हो इसलिए तो अब एक बार पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या बनता है ये पहले हमारा क्या था हमने बनाया फिक्स एसेट्स ठीक है जो भी बनाया मशीनरी अकाउंट इसके अंदर हम क्या करते थे कुछ इस पैटर्न का हमारा अकाउंट बना करता था इधर टू साइड में लिखा करते थे बैंक और बैंक का मतलब क्या था हमने खरीदा है और बाय साइड में लिखा करते थे डेप्रीशियेशन मतलब आपका डेप्रीसिएशन एक तो मेथड ये हो गया थोड़ा थोड़ा आगे गए तो अब हमने क्या करा यहाँ पे सर यहाँ पे डेप्रीशिएशन को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया यानी ये फिक्स एसेट्स अकाउंट में सिर्फ क्या था टू बैंक था और कोई बिका तो इधर से आ जाएगा सिर्फ सेल वाला पार्ट आ जाएगा और इसका पी एल भी इधर आ जाएगा यहां हुआ और जो डेप्रीशिएशन के लिए था उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया अब हमारा तीसरा स्टेज आ गया तो तीसरे स्टेज में हमने करना क्या है अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज में करना क्या है अब हमें तीन अकाउंट बना लेना है जैसे कि मैंने अभी बनाया था तीन अकाउंट ये बना लिया मैंने यहीं पे मैं दिखा देता हूं रफली तो ये बन गया फिक्स एसेट्स अकाउंट इसमें क्या होगा सिर्फ टू बैंक और इधर से सेल होगा मैं रफली आइडिया ले रहा हूं ठीक है प्रॉफिट लॉस इसमें नहीं आएगा और यहां क्या बनेगा सिर्फ डेप्रीशिएशन और जो प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन है ना उसको ऐसे डिस्पोजल में डाल दिया निकाल के यानी पहले सारा इसी में मैं था थोड़ा सा इसमें से निकाल के एक अलग अकाउंट में फेंका फिर हमने जो दूसरा मेथड बन गया अब इसमें से सारी जानकारी निकाल के हमने कहा फेंक दिया सर एक और अलग में सिर्फ यहाँ पे परचेज होगा और सेल भी नहीं कहूंगा मैं अभी देखेंगे क्वेश्चन में क्या होगा तो ये बन जाता है हमारा तीसरा पॉइंट तो अगर एग्जामिनर बोलता है कि आपको प्रिपेयर करना है जब तक ना बोले आपको नहीं करना बोलता है आपको प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन डिस्पोजल और मशीनरी अकाउंट तो समझ जाना कि तीसरे वाला जो आज सीखेंगे अगर बोलता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन तो समझ जाना दूसरे वाला जो लास्ट क्लास में और बोलता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट तो इसका मतलब समझ जाओ जो पहली बार में हमने स्टार्ट किया था वो है पहचानने का सिर्फ यही तरीका है ठीक है ना तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्योंकि बुक में सवाल तो है ही नहीं मैंने मान लो एक मशीनरी खरीदा और ये खरीदा मैंने दस हजार रुपए का ठीक है इस पे पहले साल का मैं डेप्रीशियशन चार्ज कर देता हूँ मान लो एक हजार रुपए का बचा कितना नौ हजार फिर से एक डप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं बचा कितना आठ हजार और इसको हम बेच देते हैं ठीक है ना इसको हमने सोल्ड कर दिया कितने का सोल्ड कर दिया सर मान लेते हैं तीन हजार का सोल्ड कर दिया यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा कितने का सर पांच हजार का लॉस दिखेगा यहाँ पांच हजार का यहाँ पे लॉस आ गया ये कब बेचा सर सेकंड ईयर में बेचा और फिर मैंने क्या करा सेकंड ईयर में एक न्यू मशीनरी खरीद लिया एग्जाम्पल ले रहे हैं और मैंने खरीदा पांच का फिर से इसके ऊपर सर डेप्रिसिएशन लगा कितना पांच और सेकेंड ईयर में खरीदा हमने और ये आ गया हमारा पैंतालीस सौ रुपए कहानी यहीं तक एंड करना है ठीक है समझ में आया सब कुछ आ गया इसमें बस हमें फिल करना है तो सबसे पहले मशीनरी हमने फर्स्ट ईयर में खरीद लिया सर किस नाम से लिखूंगा टू बैंक पहले भी लिखते थे कितने का सर दस हजार का और इसके ऊपर होने वाला डेप अब यहाँ नहीं लिखेंगे अलग से अकाउंट बनाया हुआ है तो एंड में यहाँ पे क्या लगेगा सर बाय यानी कितने का सर हजार यहाँ तक समझ में आ रहा है एक साल कंप्लीट, ये मशीनरी का एंट्री तो दूसरे साल के बाद हुआ है ना तो ये एंट्री दूसरा क्या मैं बोल दू के ये हुआ है हमारा फॉर एग्जाम्पल दूसरे साल बेच दिया हाँ दूसरे साल में ही खरीद लिया ये कर दिया हमने ठीक है और दूसरे साल के बाद ये थर्ड ईयर तक हमें लेके जाना है अब एक साल को हम जब बंद करेंगे पहले यहां तक देखिए कोई डाउट ये आ गया वन के और वन के ठीक है यह आ जाएगा टेन के और टेन के बाय बैलेंस सी डी टेन के ठीक है अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये एंड में आया अब ये सेकेंड ईयर में आ जाएगा और सेकेंड ईयर में क्या बनेगा टू बैलेंस बी डी टू बैलेंस बी डी कितने आएंगे टेन के और सेकेंड ईयर में ही हमने खरीदा एक तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा टू बैंक कितने का फाइव के का यहाँ तक समझ में आ रहा है अब सेकेंड ईयर के मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सेकेंड ईयर के एंड में बेचा है तभी तो डेप लगाया है तो सेकेंड ईयर के एंड में बेचा है तो यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन की बात करें पहले तो हमारा होगा बैलेंस बी और ये आ जाएगा अगेन वन के कहाँ से आएगा सर यहाँ पहले टू सी भी लिख लेते हैं बैलेंस सी कितना आ गया वन के और ये भी एंड में होगा और ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में और फिर लगेगा बाय बाय्रीसिएशन कितना एक हजार और दूसरे पे भी लगेगा दूसरे को कब खरीदा दूसरे को मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि मैंने दूसरे को खरीदा तो पांच सौ रुपये नहीं दूसरे को हम एक एग्जाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा दूसरे को एंड में खरीदा हमने ठीक है क्या दूसरे पे डेप लगेगा अब क्योंकि एंड में खरीदा तो नहीं लगेगा तो यहां तक की कहानी है लेकिन दूसरे साल हमने बिक्री बेच भी दिया है ठीक है सेकेंड ईयर हमने बेचा भी एंड में तो जब सर बिकता है ना डेप्रीसिएशन तो यहां से क्या करते हैं हम सिंपली सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं या फिर इसको भी स्टार्टिंग में खरीद लें चलो फिर डेप्रीसिएशन जीरो हो जाएगा ना नहीं एंड में तो यूज ही नहीं किया तो क्यों लगेगा ये हमारा सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मान लो ठीक है और फिर हमारा डेप एक साल का और लगा लेते हैं इस पे पांच सौ रुपए और ये बच गया हमारा चार हजार चलिए एक और डेप लगा लेते हैं सर बाय डेप नंबर टू मैं थोड़ा सा आपको पॉज लेके थोड़ा सा टाइम दूंगा आप एक बार सोच लीजिए जो इतना काम किया किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन की स्टडी अरुण मैनेजमेंट का तो मुझे प्रिंसिपल वो तो अदर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट से तो कोई लेना देना नहीं है क्या डाउट है एक बार बता देना पहले यहां तक देख लो कोई डाउट है हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं बोला मैंने क्वेश्चन में जब बोले तब करना है वैसा उस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो वहां बोला हुआ था स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो जैसे हम लगाते हैं रूल के अकॉर्डिंग वैसे ही रहेगा ऐसा मत सोचना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ठीक है थिके? यहां तक कोई दिक्कत सबको क्लियर है अब जितने भी बच्चे है, सर ये क्वेश्चन स... से हो रहा है, हाँ, है, है। इसलिए मैंने मैंने लगाया मान लिया SLM. तो ये मैंने माना है आप जब तक मुझे जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं आप जब तक मुझे ओके नहीं बोलोगे कि सर ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि इसके बाद फिर मुझे इस वाले अकाउंट को बताना है आपको यहाँ तक ओके बताइए जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जवाब दीजिए प्रगति अंजलि अरुण गौतम मोहम्मद समीर जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया ओके ओके सभी बच्चे कह रहे हैं ओके सर ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं है सर कहने का मतलब ये है अब हम सेकंड ईयर के अंदर ना एक चीज ध्यान रखना अब हमारे पास दो चीजें होती है एक होता है कॉस्ट और एक होता है बुक वैल्यू बुक वैल्यू ठीक है ना और एक होता है सेल्स तीनों में फर्क है कॉस्ट का मतलब जितने का खरीदा जितने का खरीदा बुक वैल्यू का मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद बचा हुआ वैल्यू डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद बचा हुआ और सेल्स का मतलब जितने का बिका ठीक है ना इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दू मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया या नहीं दिया इसका। देखो जैसे मान लो मैंने कहा मैंने सेल्स एक हजार का किया और मेरा कॉस्ट था सपोज करो बारह हजार का या हाँ बारह हजार का और मेरा बुक वैल्यू था मान लेते हैं पांच हजार का मेरा दो सवाल है मैं अगर फॉर्मूला यहां पे लिख दूं तो बुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू या फिर मैं इसको सेल्स की बजाय मैं कह दूं प्रॉफिट या लॉस वट हो हो इक्वल टू सेल्स माइनस बुक वैल्यू सेल्स माइनस बुक वैल्यू ये है अब आपको ये जानकारी मैंने दे दिया और अगर आप बोलते हो ना सर डेप्रीसिएशन बता दो कैसे आएगा तो आप इसको इधर उधर करके तो कर ही सकते हो ना ऊपर वाले फॉर्मूले को इधर उधर करके हो जाएगा मेरा सवाल है कि यहाँ पे बताइए डेप्रीसिएशन कितने का है और मेरा दूसरा सवाल है कि प्रॉफिट या लॉस बताइए कितने का है सभी बताएं जितने बच्चे लाइफ में वो भी बताएं और आप भी बताइए डेप कितना आएगा डेप सात हजार सात हजार आपने बोला सर डेप आया और लॉस प्रॉफिट चार हजार का लॉस बताइए सात हजार का डेप बता दिया समीर ने दिया

एक हजार का बेचा और ये फॉर्मूला लगाया तो चार हजार समझ में आया यहां तक एक और सवाल पूछे ऐसे ही मैं बेसिकली ये अब क्यों बताना चाहता हूं भी समझ में आएगा अब मान लो मैंने आपको दिया डेप्रीशिएशन दो हजार और बुक वैल्यू छ हजार और मैंने दिया प्रॉफिट एक हजार मुझे चाहिए सेल्स मुझे चाहिए कॉस्ट कितने का खरीदा और कितने का बिका बिल्कुल सही लॉस बच्चों ने दे दिया जवाब गौतम अंजलि प्रगति सभी ने जवाब दे दिया बताएं पहला सेल कितने का हुआ जवाब आया सर सेल हुआ है सात हजार चेक करिएगा आप भी सबका यही है और डेप कॉस्ट कितने का खरीदा कितने का है खरीदा कितने का आठ का अब दोनों का आंसर अगर मैं देखूं तो सेल्स पता है कैसे निकालेंगे सेल्स इस दोनों को बेच के ही तो सेल बनता है बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इस फॉर्मूले को देख लो भैया सेल ये रहा बुक वैल्यू और प्रॉफिट है ना प्रॉफिट दे रखा है और आप बुक वैल्यू रख दो इधर लेके आओगे तो सेल बन जाएगा प्लस होके ठीक है इसके बाद कॉस्ट कैसे निकलेगा आप कॉस्ट में क्या करोगे बुक वैल्यू में डेप ऐड कर दोगे क्योंकि ये क्या कहता है कॉस्ट आपको क्या दे रखा था ये भी दे रखा तो ये भी दे रखा तो इधर करके कर दोगे है ना सबको समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है ना अब आपको ये पता चल गया होगा कॉस्ट और बुक वैल्यू में डिफरेंस तो इस वाले में जो हम सवाल करने जा रहे हैं ना यहां से हमें कॉस्ट निकाल के यहां रखना होगा और यहां से डेप्रिशिएशन निकाल के भी यहां रखना होगा पुरानी बात को याद करते हैं यहां से डेप निकाल के कहा डाल देते थे लेकिन अब यहां नहीं डालना अब किधर चला जाएगा उसमें डिस्पोजल में यानी यहां से डेप निकाल के यहां पहुंच जाएगा और यहां से कॉस्ट निकाल के यहां पहुंचेगा मैं वर्ड बोल रहा हूं कॉस्ट तो समझ में आ रहा है कॉस्ट का मतलब क्या है यानी जितने का खरीदा था बुक वैल्यू नहीं क्या कॉस्ट तो अगर मैंने ये वाला मशीनरी बेचा है आपके सामने लिखा हुआ है मुझे क्या करना है मुझे यहां से यहां से माइनस और कहां ले जाऊंगा निकाल के डिस्पोजल में तो यहां वर्ड यूज हो जाएगा एसिड डिस्पोजल जो कि है दस हजार और ये एंड में किया है तो एंड का डेट आ गया पहले ये देखिए समझ में आया ठीक है अब ये वहां जाएगा तो इधर क्रेडिट में है तो वहां जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा डेबिट में पहुंच जाएगा सर डेबिट में कहां से आ रहा है सर फिक्स एसेट्स अकाउंट से कितने का आया सर दस हजार का कब आया सर एंड में आया पहले यहां तक कहानी देखिए पहला चेंजेस अब दूसरा यहां से भी डेप निकल के पहले यहां भेजते थे अब यहां से डेप निकाल के कहा भेज देना है हमें इस अकाउंट पे तो यहां से डेप निकाल के पहले लिखते थे फिक्स एसेट्स लेकिन अब क्या लिखेंगे डिस्पोजल और ये भी एंड में ही होगा तो सर यहां से जो डेप निकालोगे कितना टोटल डेप होता था तो टोटल डेप कितना होगा अब यहां टू में है तो वहां पे कहां पहुंच जाएगा बाय साइड में बाय किस नाम से है सर बाय प्रोविजन अब जितने का भी बेचा है पहले कहां बेचते थे इसी में लेकिन अब यहां नहीं बेचना कहां बेचना है उस अकाउंट में बेचना है तो यहां पे ही हम लिखेंगे बैंक से बैंक से सेल कितना तीन हजार और क्या करेंगे लॉस प्रॉफिट इधर ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कितने का पांच हजार और हमेशा याद रखना ये दोनों अकाउंट हमेशा बराबर हो जाता है कभी भी इसमें से कुछ निकलेगा नहीं दस हजार और दस हजार ठीक है इस अकाउंट की कहानी खत्म ये अकाउंट उसी साल बनेगा जिस साल मशीनरी बिकेगा डिस्पोज डिस्पोज का मतलब क्या होता है मतलब के खत्म कर देना तो एसेट्स को बेचने को ना हम एक नया शब्द भी यूज करते हैं एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इसका मतलब समझ जाना कि डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना बोल रहा है कि एसेट बिका है

और यहां पे आएगा पांच और ये आ गया बैलेंस सी डी एंड में और यहां आएगा टू बैलेंस बैलेंस बी डी कितना पांच बैलेंस बी डी पांच ठीक है पहले यहां तक देखो समझ में अब बैलेंस बी डी पांच हो गया अब इसके बाद हमें इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाल ही लेना चाहिए क्या होगा यहां पे 2500 और इधर भी 2500 और यहां क्या आएगा टू बैलेंस सी कितने का आ जाएगा 500 का और ये भी क्या रहेगा एंड में और यहां आ जाएगा बाय बाय बैलेंस बैलेंस बी कितना 500 कितने का थर्ड ईयर में बताओ समझ में आया तो अब आगे आते हैं सर दूसरे साल का डेप इसमें तो डेप लगता नहीं है डेप कहां लगेगा इसी में तो बाय दूसरे साल का यानी थर्ड ईयर का एंड में डेप लगा देंगे कितना लगना है सर 500 सौ ये कहानी खत्म हो जाएगी 1000 और यहाँ पे आ जाएगा कितना सर 1000 और इधर भी आ जाएगा बैलेंस सी डी एक एंड में कहानी इसकी समाप्त इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हो खत्म मतलब कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा पांच और पांच हजार और बाय बैलेंस ठीक है ये भी एंड में आएगा बताइए कोई दिक्कत तो आप देखोगे ना अगर आप तरीका समझ लेते हो ना तो सवाल कोई सा भी आप फिल करना है वर्किंग नोट कभी नहीं बदलने वाला चेंज मेथड जैसे पहले सीखा था वही चेंज मेथड ऐसे होगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमने कल वाली क्लास में किया था चेंज मेथड प्रोविजन के अंदर और पहली वाली क्लास में भी चेंज मेथड तो वर्किंग नोट में कोई फर्क नहीं आया वर्किंग नोट तो क्या रहा हमारा एग्जैक्टली exactly सेम रहा हमारा ठीक है समझ में आए तो ये था हमारा एसेट डिस्पोजल जिसपे सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ऐसा है के नहीं दूसरी बात इनके ना जर्नल एंट्री भी आपको आना चाहिए जर्नल एंट्री अगर आपको अकाउंट समझ में आ गया ना तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल सा वे है अब ये कौन सा अकाउंट है फिक्स एसेट्स पहली अब हमेशा याद रखना जर्नल एंट्री जब करते हैं ना तो पहले किसकी जर्नल एंट्री नहीं करते वो पता हो जर्नल एंट्री कभी भी बैलेंस बी डी और बैलेंस सी डी का जर्नल एंट्री नहीं होता लिख देता हूं नो जर्नल ठीक है पहला रूल अकाउंट से जब एक तो होता है कि पहले हम जर्नल करते हैं फिर लेजर बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना जिसके अंदर हम डायरेक्टली लेजर बनाते हैं और जर्नल एंट्री पूछ लेता है एग्जाम में तो हम घबरा जाते हैं इसका जर्नल तो किया नहीं तो हमें जर्नल से लेजर भी बनाना आना चाहिए और लेजर से जर्नल को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए तो जब हमारा लेजर होता है तो यहां पे जनरल में तो बैलेंस बी डी सी डी देखने को नहीं मिलता लेकिन जब लेजर होता है तो यहां बैलेंस बी डी सी डी देखने को मिलता है तो बैलेंस बी डी और सी डी का कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होता दूसरा रूल है ये जब कभी भी कोई ट्रांसफर होगा एंट्री ट्रांसफर एंट्री तो उसकी एक ही एंट्री करनी है वन एंट्री जैसे कि मान लो ये वाला डिजोल्यूशन ट्रांसफर होकर इस अकाउंट में गया या तो आप यहां से कर लो या यहां से कर लो ऐसे नहीं कि यहां से भी करोगे और यहां से भी करोगे सेम ऐसे पी एफ डी यहां से ट्रांसफर होकर उस अकाउंट में गया तो उसकी एक जगह करोगे या तो इस अकाउंट को बेस मान के कर लिए अगर मैं इसकी जनरल एंट्री कर रहा हूं सारा 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 कर रहा हूं तो इसमें ये भी इंक्लूड हो गया और जब मैं इस अकाउंट की जनरल एंट्री सारा सारा करने लाऊंगा तो ये वाला तो पहले ही कर चुके हैं हम इसको छोड़ के फिर बाकी करेंगे समझ रहे हो बात को अब मैं जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ बड़ी सिंपल सी बात है नेक्स्ट uh, पेज पे करें देखिए पहले क्या है हमारा ये वाला फिक्स एसेट्स टू बैंक तो फर्स्ट जनरल एंट्री देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री अरे फर्स्ट जनरल एंट्री फिक्स एसेट्स टू बैंक मतलब कैसे किया सर फिक्स एसेट्स टू बैंक देखिए जो अकाउंट होता है जहां लिखा है तो टू में जो टू वाला है ना वो तो टू में ही रहेगा जनरल एंट्री में भी टू में रहेगा अकाउंट से मैच करेंगे और बाय वाला डेबिट हो जाता है टू में अकाउंट पहुंच जाता है ये फंडा होता है जो जनरल जो तो रहेगा और डेबिट में क्या लिखेंगे अकाउंट लेकिन जो बाय वाला है ना वो डेबिट पहुंच जाएगा और क्रेडिट में क्या आ जाएगा उसके अकाउंट आ जाएगा जैसे मैंने इसका एंट्री करना है तो फिक्स एसेट टू बैंक अब मुझे इसकी एंट्री करनी है क्योंकि हम एक एक साल का लेके चलेंगे अब इसकी एंट्री करने का नंबर आ गया तो आपको अच्छे से पता है सर इसकी एंट्री तो

सर इसमें से इसकी क्या इसकी एंट्री करेंगे करेंगे तो ये डिजोल्यूशन और ये अकाउंट कौन सा फिक्स एसेट इधर वाले को डिजोलूशन और डिजोल्यूशन कह रहा हूं डिस्पोजल है इधर डिस्पोजल है डिस्पोजल को डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट्स को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे तो डिस्पोजल एसेट डिस्पोजल टू फिक्स एसेट्स सर जो भी अमाउंट था क्या अमाउंट था सर दस हजार चलिए आ जाइए क्या अब हम इसकी सी की एंट्री करेंगे क्या ने ने ने। अब इधर आते थे क्या इसकी एंट्री करेंगे ने 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 क्या इसकी एंट्री करेंगे एक अकाउंट की एंट्री खत्म देखो जनरल एंट्री कितनी हुई आप देखोगे तो बोलोगे सर इसकी एंट्री करेंगे इसका पता नहीं कैसे करेंगे और जबकि जनरल एंट्री काउंट करोगे तो तीन ही तो एंट्री हुई है बस समझ रहे हो ना तो अगर आपको लेजर से जनरल कन्वर्ट करना आ रहा है और कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आप फटाफट कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में पंद्रह नंबर का अगर मैं हंड्रेड परसेंट बोल सकता हूं मैं अगर पंद्रह नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए और बोले पास नेसेसरी जनरल एंट्री आधे बच्चे छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं अकाउंट लेजर, लेजर लेजर हर कोई प्रैक्टिस यही करता है कि भैया डेप्रिशन क्या है तो मतलब अकाउंटिंग कैलकुलेशन वेलकुलेशन आना चाहिए लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ लेता है जनरल एंट्री एग्जामिनर ने अपनी मान के अपने समझ से तो आसानी पूछा है अब बताओ इसमें ज्यादा समय लोगे आप या इसमें ज्यादा समय लोगे इसमें तो एग्जामिनर ने अपने हिसाब से तो सोचा बच्चों को आसान दे दो लेकिन बच्चों के माइंड में क्या होता है सर यार जनरल मुश्किल है छोड़ दो तो बच्चा छोड़ देता है अब आ जाते हैं चलो दूसरे का दूसरे लेजर की बात कर लेते हैं सर सेकंड लेजर पे आते हैं यहां पे इसकी एंट्री होगी क्या होगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन तो इसकी एंट्री कर लेते हैं डेप्रिसिएशन लेकिन एक बात का ध्यान रखना फर्स्ट ईयर सबका फर्स्ट ईयर एक साथ मैंने यहां पे क्या करा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर लेजर वाइज कर रहा हूं मैं लेकिन आपने क्या करना है फर्स्ट ईयर एक लेजर फर्स्ट ईयर दूसरे लेजर फर्स्ट ईयर तीसरे लेजर का ऐसे लेके चलना है समझ गए ना बात आप डेट स्पेसिफिकली करके चलना है मिला के पूरा अब मैं यहाँ पे प्रोविजन का कर देता हूं सर क्या हुआ हमारा आपका डेप्रीसिएशन टू पी एफ डी सर एक हजार चलिए आइए इसकी कर लिया इसकी करेंगे क्या इसकी करेंगे क्या इसकी होगी ना चलिए इसकी क्या करेंगे फिर से डेप्रिसिएशन 2 PFD ये सर सेकंड ईयर का है है ना ये सेकंड ईयर का तो डेट आपने ध्यान रखना है उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी कर ली अब इसकी करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे तो आ जाइए फिर से क्या करेंगे अब बोलेगा सर दो-दो है तो दो-दो एंट्री करें एक में जोड़ के जोड़ के कर सकते हैं आप एक ही एक ही डेट पे एंट्री होना एक डेट पे दस एंट्री है और दसो एक जैसी एंट्री हो तो आप उसको क्लब करके कर सकते हैं लेकिन एक एक तारीख को है एक दो तारीख को है डेट अलग अलग है है और बिल्कुल सिमिलर एंट्री हो तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग, अलग तारीख पे है वो तो अगली एंट्री फिर से मैं क्या कर दूंगा डेप्रीशियन टू मैं बहुत रफली बता रहा हूं आप घर पे ट्राई नहीं करोगे ना तो जीरो है ये इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा सर आपका जीरो है आपका कितना आएगा पांच सौ रुपए ठीक है ना चलिए अब आगे आ जाते हैं इसकी एंट्री करेंगे बिल्कुल करेंगे क्या करेंगे प्रोविजन टू डिस्पोजल ठीक है ना क्या करेंगे प्रोविजन टू डिस्पोजल अब ये टू के था चलिए आइए अब आ जाते हैं क्या इस बैलेंस सीडी की, की एंट्री करें नहीं, नहीं करेंगे अब अगला साल पे आ जाते हैं क्या बीडी की एंट्री करें नहीं, नहीं करें बस एक यही रह गया और इस सीडी का भी नहीं होगा तो यहां पे आप देखो एक और एंट्री हो जाएगा क्या हमारा डेप्रीशिएशन टू पी एफ डी तो दूसरे अकाउंट का भी खत्म हो गया देखो दूसरे अकाउंट का भी काम खत्म अब तीसरे पे आ जाते हैं तीसरे पे आ जाते हैं इस पे क्या इसकी एंट्री करेंगे नहीं क्योंकि पहले कर चुके हैं मैंने ट्रांसफर वाली की एक ही करना आप पता चला आप यहां से भी करोगे ना तो एंट्री वही होगा देखो आपने एंट्री का क्या बनेगा यहाँ पे फिर एसे डिस्पोजल टू एफ और आप ध्यान से देखो ये तो कर चुके हो आप एसेट डिस्पोजल टू एफ तो एंट्री को हम बार बार थोड़ी कर सकते हैं रिपोर्ट रिपीट मोड में तो चलिए गलत ही हो गया ना आपने दो बार करा तो इसका मतलब दो बार बेच दिया एसेट्स को वो गलत हो जाएगा और क्या नंबर कटेंगे आप रेंट पेड कर रहे हो आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश फिर एक बार कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश इसका मतलब आपने क्या करा दो बार रेंट पर है तो टेक्निकली गलत बोल रहे हो ना ठीक है ना तो अब इसके बाद पीएफडी की एंट्री करेंगे क्या पीएफडी की एंट्री करेंगे क्या नहीं, नहीं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हो चुका है अब बैंक से एंट्री करेंगे क्या था था। हाँ क्योंकि कहीं हुआ ही नहीं है तो एंट्री क्या है बैंक बाय में तो बैंक टू एसेट डिस्पोजल बैंक टू एसेट डिस्पोजल बैंक टू एसेट डिस्पोजल ठीक है ना कितने का बेचा था तेरह का तेरह का तीन हजार मैं बहुत रफली कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं भैया जनरल क्या है पांच सौ दो हजार होगा चलिए एक पेज बीच में आ गया अगले पॉइंट पे चलते हैं अब इधर देखिए इसकी कर लिया क्या प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे पहले कहीं हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट ये लो पूरे सवाल का जनरल एंट्री हो गया पास नेसेसरी जनरल एंट्री करना ये था और इसके अंदर मैं कहता हूं कि जब जनरल एंट्री आपके एग्जाम में आता है ना तो आपका पेपर में मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं क्यों क्योंकि आप गलत कर दोगे मान लो एक एंट्री गलत कर दिया तो एक ही नंबर काटेगा ना लेकिन आप लेजर के अंदर अगर आप गलती करते हो मान लो यहाँ गलत करते हो तो अकाउंट ही गलत हो गया पूरे काट लेगा वो तो समझ रहे हो तो जनरल एंट्री के अंदर मार्क्स आपके कम डिडक्ट होते हैं और लेजर के अंदर मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होते हैं क्योंकि आप गलत करोगे तो पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो गया जनरल एंट्री में अगर गलत करेंगे तो एक ही तो एंट्री गलत की है भाई एक का काटेगा तो पूरे का थोड़ी काट सकता है तो वो चलता है हमारा तो जितने भी आपको सवाल जैसे लास्ट क्लास में किए थे ना उसका एक ना आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल ध्यान से एग्जाम से पहले भी और अभी भी एक जर्नल एंट्री करके जरूर चेक करना अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में कहानी बिल्कुल उल्टा हो जाना है और एग्जाम में परेशान हो जाओगे कि भैया जर्नल एंट्री कहां से आ गया जैसे फाइनल अकाउंट में किया था ना फाइनल अकाउंट में भी जितने भी एडजस्टमेंट है उसके भी अभी आपको जर्नल एंट्री करना है मैंने कराया नहीं है उसके भी जर्नल एंट्री आपको करने हैं कि किस तरीके से होगा हाँ इन्वेंट्री वाले में कोई जनरल एंट्री का चक्कर ही नहीं है तो जहां जहां से जनरल एंट्री बन सकता है वो मैं बताता जाऊंगा ठीक तो बताइए कोई डाउट फटाफट से इमेज क्लिक करना इमेज क्लिक करिए और उसके हिसाब से चलते हैं हाँ अभी पीडीएफ मिल जाएगा अभी जाके सबसे पहले ये काम कर देंगे पीडीएफ अभी भेज देंगे तो आज डिस्पोजल कर लिया इसके अंदर मात्र एक टॉपिक रह गया अब कुछ बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चंस कहां से देते हैं जो आपका आ, बुक है ना जिनके पास बुक नहीं है अभी मैं पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा इसका और इसके जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन आपके सारे करने हैं इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मैं क्यों नहीं जा रहा सर ग्यारह बारहवीं तक तो सिर्फ प्रैक्टिकल करते थे इलिस्ट्रेशन छोड़ देते थे अब इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं डेफिनेटली कर दिए लेकिन मैं एक चीज बता दूं प्रैक्टिकल के अंदर एरर बहुत ज्यादा है उसके आंसर्स में जो मिलाते हैं नीचे अगर आपके पास छह महीने का वक्त होता तो मैं सारे प्रैक्टिकल को भी लेता अभी मेरा टारगेट क्या है अभी टारगेट ये है और आपका भी यही टारगेट है कि भैया हम सारा कॉन्सेप्ट कर लें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट कर लें मेजर टारगेट ये है तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन डेप के कर लिए अब तो क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं एग्जाम में आएगा तो बस उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप कुछ बच्चा बोले सर प्रैक्टिकल भी करा दो तो आपको टाइम अगर लगता है कि आपके पास ज्यादा है तो आप कर सकते हो प्रैक्टिकल सात सात सब्जेक्ट है आपके समझे बात आप तो एक बार फटाफट नोट कर लीजिए सर जनरल एंट्री पास करने का अकाउंट तो बनाना होगा ना नहीं जर्नल एंट्री पास बोला जाए तो अकाउंट नहीं बनाना अपने मन में बना सकते हो आप अकाउंट उसकी बात अलग है कैसे बनाओगे सर पहले साल का इधर आएगा इधर डैप आएगा तो डैप बाय में है तो डैप और टू फिक्स एसेट्स इस तरीके से सोच सोच के कर सकते हो बाकी जब आप पूरा अकाउंट बनाओगे ना तो अकाउंट बनाने में फिर तो आपका डबल मेहनत हो गया तो आपको दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और धीरे धीरे सोच सोच के आपको लिखते जाना है वर्किंग नोट करना पड़ेगा बिना वर्किंग नोट के नहीं होगा जैसे मैं देखो कैसे करूंगा मैंने वर्किंग नोट तो कर लिया ये डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन जाएगा पीएफडी में और पीएफडी के साइड जाएगा बाय साइड में तो बाय होगा तो टू पीएफडी फट से कर दिया मैंने सोचना पड़ेगा इसके बाद ये भी आपका ये भी पीएफडी में ही जाएगा इसका भी कर देंगे फट से फिर उसके बाद ये मान लेते हैं लॉस लॉस जाएगा हमारा डिस्पोजल में डिस्पोजल में किधर जाएगा बाय साइड में जाएगा तो बाय का मतलब डेबिट लॉस को डेबिट टू डिस्पोजल यानी वर्किंग नोट करने के बाद ऐसे सोच सोच के करना है आपको हाँ इसके बाद लास्ट रिवेल्युएशन कॉन्सेप्ट ही रहता है आपका जो कि कल भी क्लास है और कल की क्लास कितने बजे मैंने टाइमिंग तो दे दिया था ना आपको नौ बजे हाँ तो कल नौ बजे क्लास है कल नाइन ए एम क्लास है और कल इस चैप्टर को खत्म रिवेल्युएशन कर लेंगे होगा तो मंडे हम स्टार्ट कर लेंगे कौन सा ब्रांच ब्रांच ना इसके अंदर थोड़ा सा नया है ब्रांच पुराना है फिंगर टिप्स पे सिंपल सिंपल से फटाफट से हो जाएगा ब्रांच हमारा पीडीएफ हाँ अभी पीडीएफ मिल जाएगा सभी बच्चों को जो ऑफलाइन में ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल सवेरे नो नाइन ओ क्लॉक ठीक है